इस वक्त हम मुस्लिम बहुल सीमांचल के किशनगंज में हैं। यहाँ पे सेकंड फेज में लोकसभा चुनाव में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। ओवैसी की पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वो खुद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी देखिए वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से वो मिल रहे हैं। इस वक्त वो बाईसी में हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। उनके साथ उनके समर्थक हैं। यहाँ पर जदयू से प्रत्याशी हैं मास्टर मुजाहिद आलम और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मोहम्मद जावेद, वही मौजूदा सांसद हैं। अख्तरुल ईमान 2019 में भी ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े थे और 2,95,000 वोट पाए थे। इस बार कितने तैयार हैं और पूरे बिहार में ये पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। अख्तरुल साहब, कितने सीटों पर आप लोग बिहार में लड़ रहे हैं? बिहार में हम लोगों ने 15 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी ने मशवरा किया है कि सेकंड फेज में जो हम सिर्फ एक सीट पर लड़ रहे हैं, बाकी जितने सीटों पर ऐलान था वो हमारा बाकी है। मीडिया के कुछ दोस्तों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने जिन सीटों का ऐलान किया है वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ सेकंड फेज में जो हमने 3-4 सीटों का ऐलान किया था उसमें सिर्फ हम एक सीट पर लड़ रहे हैं, बाकी जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स चरण में होना है वो हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे। मतलब सेकंड फेज में सीमांचल के किशनगंज में वोटिंग है तो उसमें आपकी पार्टी लड़ रही है, लेकिन यहाँ पे पूर्णिया और कटिहार में आप लोग नहीं लड़ रहे हैं। किशनगंज से आप खुद? बिल्कुल, किशनगंज से मैं प्रत्याशी हूँ। बैरिस्टर सुद नवीसी साहब की यहाँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मजबूत नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश है कि फिरका परस्त ताकतों को रोका जाए, वोट को मुत्तहिद किया जाए। इंडिया गठबंधन में मुझे नहीं लिया गया है। मैंने इंडिया गठबंधन के लोगों से कहा है कि आप एक लार्जर अलायंस बनाए हैं, मेरी जगह उसमें नहीं है। लेकिन वाकईतन अगर मोदी विरोधी आप हैं, अगर वाकईतन सांप्रदायिक शक्तियों को आप शिकस्त देना चाहते हैं, तो मेरे नुमाइंदे जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं कृपया कम अज़ कम वहाँ आप न लड़ाएँ, तब हम आपको मानेंगे कि आप वाकईतन चाहते हैं कि देश की गति पे जो लोग बैठे हैं उसे उतारना चाहते हैं। वर नहीं तो जहां मैं लड़ रहा हूं वहां भी आप लड़ेंगे, तो इसके माने ये है कि आप मुसलमानों की क़यादत उठने नहीं देना चाहते हैं और ईमानदार नहीं है देश की गद्दी पर से मोदी को हटाने के लिए। आप 2019 में भी लड़े थे, आपने कड़ी टक्कर दी थी, 2,95,000 वोट आपको आया था। इस बार अपने आपको चुनाव में कहाँ देख रहे हैं और मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? मुद्दे तो एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी दर्द, बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। मैं क्या करूँगी, स्कूल का मुद्दा बोलूँ आपको, हॉस्पिटल ठीक है क्या, हॉस्पिटल का मुद्दा करूं तो नदियों पर पुल बने क्या, नदियों के पुल के मुद्दे करूं तो क्या नदियां बस्तियां जो कट रही हैं वो मुद्दे हल हुए क्या। यहाँ हज़ार हाँ मुद्दे हैं। सबसे निरक्षर बिहार का ये हिस्सा हो गया है, सबसे गरीब है, पलायन सबसे ज़्यादा है, सैलाब से प्रभावित सबसे ज़्यादा है, घर कटाव लोगों का हो रहा है। आज भी देख लिया, जिन लोगों के घर कटे हैं वो अपने घर में मिट्टी लेने जा रहा है, तो अफसर भी लूट रहा है यहाँ पर, उनका ट्रैक्टर ले करके बैठा देता है कि साहब ये माइनिंग का मामला है, ये इसका मामला है, उसका मामला है। यहाँ अफसरों का लूट भी यहाँ पर इसी इलाके में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं से इस इलाके का शोषण और दोहन दिल्ली और पटना में बैठे हुए लोगों ने किया है। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूँ और इस इलाके के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई सत्ता की प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई सीमांचल के बेबस लाचार लोगों को इंसाफ दिलाने की है। मैं कहता हूँ सीमांचल एक कश्ती की तरह है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसे हुए हैं, ये कश्ती डगमगा रही है, आओ सबको मिलकर सहारा दो। और हमने सबको देखा है, सबके दिल में है खोट, सब ने दिया है हमको चोट, अब न दो इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, एक नारा हम लोग लगा रहे हैं इस बार। आप जैसे 13 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिए हैं, इसके पहले 15 पे लिए थे, महागठबंधन बार बार कहता है कि आप लोग बीजेपी की मदद करते हैं। देखिए महागठबंधन का जो नेता है तो जरा मुझसे उससे जरा मुकालमा करवा दीजिए, बहस करवा दीजिए, उसकी पूरी बायोग्राफी मैं बता देता हूँ, उसका पूरा एक्सरे रिपोर्ट बता देता हूँ। ये बेईमान और बेशरम लोग हैं जो मुझे इस तरह के जुमले मुझे कहते हैं। अच्छा, मैं बी टीम हूँ, कल तक नीतीश कुमार जी बी टीम मुझे कहते थे, कहा किसके गोद में जाकर बैठे हैं, चले गए बीजेपी के साथ। इन लोग आप ये जुमले बाज लोग हैं, इन लोग का क्यों विश्वास करते हैं? अच्छा, जो आप 13 सीटों पर लड़ेंगे उसमें से तो एक अररिया हो गई, एक किशनगंज हो गई, बाकी 11 सीटों का नाम बता सकते हैं? अभी लिस्ट मेरे पास नहीं है, उसमें काराकट है, उसमें मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, उजियारपुर है, अभी कई वो है, लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन है। सूची जारी होगी? हाँ हाँ, सूची हमने जारी कराया है और फिर करेंगे। देखिए अगर इस वक्त सीमांचल में आए हैं, मैं ईमानदार मीडिया कर्मियों से पूछूंगा, आप मेरे बस्तियों की तरफ जाइए और देखिए जितने बेबस और लाचार लोग यहाँ पर हैं, आज भी बिजली की सुविधा लोगों को मिली हुई नहीं है, आज भी यातायात की इतनी कठिनाई है कि बीमार जो महिलाएं हैं वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रही हैं। आज भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल के दरवाजे पर कुत्ते बैठे हुए हैं, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। यहां शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर देखिए आपको लगेगा कि मेला है, हर दिन मजदूरों का पलायन है, बाप गाँव में मर जाता है और बेटा पंजाब के खेतों में रोता है, वो सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ की। फर्स्ट फेज का तो नॉमिनेशन खत्म हो गया, सेकेंड फेज का भी, सीमांचल में आप लोग पूर्णिया और कटिहार क्यों नहीं लड़े? अब नहीं लड़े, पार्टी ने फैसला किया नहीं लड़ने का,
पार्टी वो करती है, पार्टी फैसला करने में आजाद है। पप्पू यादव का आप लोग समर्थन कर रहे हैं पूर्णिया में, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि किसको सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर होगा, हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। बातचीत करते हुए अख्तरुल ईमान, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज किशनगंज।